आज ही के दिन 1826 में उदंत मातंड नाम के पहले हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उदंत मातंड ने समाज में चल रहे विरोधाभासों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आम जन की आवाज को उठाने का कार्य किया था। आज ही के दिन 1972 में उत्तरी आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की आधिकारिक इकाई ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी, लेकिन उसने ब्रितानी सेना और सांप्रदायिक समूहों के हमले की स्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखा था। आज ही के दिन 1981 में सरकारी गेस्ट हाउस में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की सरकार विरोधी सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिया बेहद लोकप्रिय नेता थे, इसलिए उनकी मौत पर देश में आपातकाल और 40 दिन तक राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 1987 में गोवा को भारत के 26वें राज्य का दर्जा मिला था। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। दुनिया में अपने खूबसूरत बीचेस और स्थापत्य के लिए मशहूर गोवा पर पुर्तगालियों ने 450 सालों तक राज किया था। आज ही के दिन 1990 में फ्रांस की सरकार ने बीएसई यानी मैड काउ बीमारी फैलने के डर से ब्रिटेन से गोमांस और जीवित मवेशियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस ब्रिटेन के गोमांस का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जो कि हर साल इसके आयात पर 18.3 करोड़ पाउंड खर्च करता था। आज ही के दिन 2013 में बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का निधन हुआ था। अपने 19 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। चोखेर बाली, रेनकोट और अबोहमन जैसी फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।